हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी ना बारिश हो रही थी, तो मैं अभी खाना वाना खाकर जो है आराम से बैठी ही थी। तो मैंने सोचा नहीं, आज ब्लॉग स्टार्ट करते। मैं 2 दिन से ब्लॉग मैंने नहीं बनाया है, कोई वीडियो नहीं बनाया है। तो यहाँ पर मैं आराम से खाना वाना खाकर बैठी थी और बाहर देख रही थी, बारिश हो रही थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। वैसे इसे तेज़ बारिश आगे हो चुकी है, अभी बारिश थोड़ी सी कम हो चुकी है। तो मैं ऐसे ही आराम से बैठी हुई थी क्योंकि अभी सब कोई मम्मी पापा अपने रूम में हैं, हस्बैंड अभी थोड़ी देर पहले खाना खा कर चले गए, तो मैं अभी थोड़ी देर के लिए बैठी हुई थी। तो ऐसे ही आज मेरा मन हुआ कि आज ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो गुड इवनिंग एवरीवन। तो ये ब्लॉग मैंने दोपहर में स्टार्ट किया था और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं। तो चाय पीकर मैं आराम से बैठी थी, तो मैंने सोचा नहीं आप लोग से बातें करती हूँ थोड़ी देर के लिए। और मैंने जो है 1-2 दिन से कोई ब्लॉग नहीं बनाया है, वीडियो नहीं बनाया है, तो ब्लॉग तो बनेगा ही नहीं। वीडियो बनाऊंगी तभी ब्लॉग बनेगा। और शायद लास्ट मैंने फ्राइडे को वीडियो बनाया था और उसे भी शायद संडे को पब्लिक किया था मैंने, तो आप लोगों ने संडे को देखा है। और आज फिर आज है ट्यूसडे, तो 2-3 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया है। ऐसे ही पता नहीं क्या हो गया था, मुझे बन भी नहीं रहा था, मुझे मन भी नहीं हो रहा था। और मेरे साथ होता है अगर मैं कंटिन्यू करती रहूँ तो मेरा जो होते रहेगा, अगर नहीं मैं नहीं करूँगी छोड़ देती हूँ तो फिर मुझसे नहीं होता है, तो बस एनर्जी नहीं रहती है। अगर मैं कंटिन्यू करती रहूँ ना, स्टार्ट अगर कर दूँगी तो बस ब्लॉग बनते रहेगा, वीडियो बनती रहेगी। तो आज ट्यूसडे है और अभी शाम हो चुके हैं, तो बस सोचा कि नहीं आप लोग से मैं अपना जो है अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। कुछ खास नहीं है, वही डेली रूटीन है। और आप लोग की लाइफ में क्या चल रहा है आप लोग जरूर बताना। तो शाम हो चुकी है और मुझे खाना बनाना है, तो इसलिए मैं आई हूँ किचन में खाना की तैयारी करने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो फ्रिज में सब्जी बरबट्टी को निकाल लिया है, पहले सारे इंतजाम कर लेती हूँ, टमाटर वगैरह सब, उसकी सब्जी बनाऊंगी बरबट्टी की इसीलिए। तो बरबट्टी निकाल लिया है, अब टमाटर, और अभी के टमाटर ना बिल्कुल अच्छे नहीं आते हैं, सिर्फ रस तो होते ही नहीं है, बिल्कुल छिलका वगैरह रहता है, गलते नहीं है जल्दी सब्जी में, पकाने में बहुत टाइम लगता है। तो चलिए सब्जी काटते हैं, खाना बनाना है, तो रोटी और बरबट्टी की सब्जी बनाऊंगी रात के खाने में। तो यहाँ पे जो है मैं सब्जियाँ निकाल कर बैठ गई हूँ, आलू बरबट्टी प्याज टमाटर सब लेकर नीचे ही बैठ गई हूँ। चाकू से काटती हूँ पर जो कुछ चीज़ें रहती हैं वो ही तभी मैं काटती हूँ, अगर ज़्यादा चीज़ें हों, ज़्यादा सब्जियाँ काटनी हूँ तब मैं ये आराम से बैठती हूँ। वैसे मैं सब्जियाँ काटती ही नहीं हूँ, माँ ही काटती हैं, तो फ़िलहाल मैं अभी काट रही थी। तो यहाँ पे मैं आराम से बैठ गई हूँ कि आराम से काट लूँ, अभी तो हड़बड़ी भी नहीं है खाने में, सुबह में मतलब दोपहर के खाने में थोड़ी हड़बड़ी रहती है। तो मैं यहाँ काट रही थी सब्जी और अबीर को देखिए वो सारी मस्ती कर रहा है आराम से, वो जब भी वो देखता है कि कैमरा ऑन है ना, बस उसकी मस्तियाँ चालू हो जाती है और वो छोटा सा फ़ोन हाथ में लिया हुआ है और बस आप लोगों को दिखाया जा रहा है कि देखिए मैंने ये किया है, वो किया है, ये खेला है, वो कर रहा हूँ, तो वो सब उसकी बातें चल रही थी। और यहाँ मैं अपनी सब्जियाँ काट रही हूँ, सब्जियाँ मेरी कट गई है और आटा भी मैंने गूंथ लिया है, और यहाँ मेरी कढ़ाई में जो है तेल रख दिया है गर्म होने के लिए, तो सब्जी बनाऊंगी। तो क्या सब्जी बनाऊंगी, सिंपल तरीके से ही मैं बना रही हूँ, तेल में प्याज दूंगी, फ्राई करूंगी सब्जियों को, मसाला वगैरह ऐड करूंगी बस, और जब वो अच्छे से पक जाएंगे तो बस सब्जियाँ मेरी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ, कुछ स्पेशल नहीं है। वैसे मैंने पहले ये सब्जी दिखा चुकी है इसलिए मैं अभी नहीं दिखाऊंगी आप लोग को, तो जल्दी चलिए सब्जी बना लेते हैं जल्दी से। तो वही सिंपल तरीके से ही मैं यहाँ पे सब्जी बनाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज को फ्राई किया और उसके बाद उस मैंने आलू को फ्राई किया है। आलू को थोड़ी देर फ्राई करने के बाद इसमें जितने भी सारे बरबट्टी हैं उनको इसमें मैं फ्राई करूंगी और आलू के साथ ही उसको भी थोड़ी देर फ्राई करूंगी। जब ये फ्राई हो जाएंगे तब इसमें मैं सारे मसाले ऐड करूंगी। तो मसाले में वही सिंपल सा है, धनिया, जीरा, हल्दी, नमक, लाल मिर्च पाउडर, यही मैंने ऐड किया है और कुछ भी नहीं। अदरक लहसुन ये सब मैंने अभी कुछ नहीं दिया है, तो बस इनको थोड़ी देर मसालों के साथ भूनूंगी और थोड़े टाइम देकर पकाऊंगी, थोड़ा टाइम लगेगा।
तो बस इनको मैं फ्राई कर लूँगी और थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ ढक दूँगी ताकि वो धीरे धीरे पकते रहे। और साथ में इधर कुछ चाय के बर्तन थे तो मैंने सोचा इनको भी मैं धो लेती हूँ। एक साइड में सब्जी बनती जा रही है, उनको मैंने गैस फ्लेम जो है थोड़ा कम कर दिया है ताकि आलू जो है अच्छे से पक जाए और सब्जी भी अच्छी लगती है। अगर धीरे धीरे कोई भी सब्जी बनाया जाए ना बहुत टेस्टी बनती है। तो बस ये सब्जी भी बन रही है और साथ में मैं चाय के बर्तन धो लेती हूँ कि खड़े होने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, बर्तन तो धोना ही है। तो बर्तन मेरे चाय के जितने थे मैंने धो लिया है, आपको दिख रहा होगा साइड में रखा हुआ है। तो इसका पानी जब तक गिरता है मैं इधर सब्ज़ी भी चेक कर लेती हूँ। तो सब्ज़ी में थोड़ा सा और टाइम लगेगा, वैसे आलू जो है भून चुका है, मसाले सब भून चुके हैं। तो बस इसमें मैं पानी ऐड कर दूँगी और कढ़ाई को मैंने दूसरे बर्नर पर चढ़ा दिया है, पानी दे दिया है कि सब्ज़ी पकती रहे। और इधर मैंने सोचा कि नहीं आज रोटी बना ही लेती हूँ क्योंकि सब्ज़ी बनने में भी टाइम है, वैसे मुझे कभी कुछ काम भी नहीं था तो मैंने सोचा नहीं चल आज रोटी बना ही लेती हूँ, वैसे भी खाने का जो है टाइम होने ही वाला है, थोड़ी देर में ही सबको खाना दूंगी। तो मैंने सोचा ठीक है सब्ज़ी बनने तक मेरी सब रोटी बन भी जाएगी। तो बस जल्दी जल्दी मैं रोटियाँ बना ली हूँ और ये देखिए सब्ज़ी भी बिल्कुल मेरी बनकर रेडी है। और ये थोड़ी सी रस वाली सब्ज़ी है तो रोटी के साथ ठीक लगती है खाने में। तो बस यहाँ पे रोटियाँ सारी मेरी बन चुकी है और रोटियों का जो परथन है मैं उनको झाड़ झाड़ कर हॉटपॉट में रखूँगी। पहले डायरेक्ट मैं नहीं रखती हूँ, ठंड का दिन हो तो रख भी देती हूँ पर गर्मी में नहीं रखती हूँ क्योंकि अगर डायरेक्ट रोटी को हॉटपॉट में रख दिया जाए ना तो वो उसमें भाप हो जाता है। तो बस सारी मेरे काम किचन के हो चुके हैं और यहाँ पे जो है सिर्फ खाना खाने का टाइम है रह गया है। तो यहाँ चलिए मैं अभी थोड़ी देर के लिए बैठूँगी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, फ़ैन चला कर मैं बैठती हूँ। और अपने वीडियो का भी एंड यहीं पे करती हूँ। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। गुड नाइट, बाय बाय।